जागरण जोश आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए संदर्भित सप्ताह के दौरान घटित विभिन्न परीक्षा उपयोगी घटनाओं में से 5 महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। जर्मनी के गोलकीपर मैनुअल नोआ को जर्मनी का श्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। जकार्ता के राज्यपाल जोको विडोडो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। सौरमंडल के बाहर एक नए ग्रह केपलर 421b की खोज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। करंट अफेयर्स विस्तार से। जर्मनी के गोलकीपर मैनुअल नोआ को जर्मनी का श्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। इनका चयन यू गोव नामक संस्था द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में जर्मन नागरिकों द्वारा किया गया। थॉमस मुलर 18% मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। मैनुअल नोआ को वर्ष 2014 के फीफा फुटबॉल विश्व कप में गोल्डन ग्लव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जर्मनी ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फुटबॉल विश्व कप 2014 का खिताब जीता। मैनुअल नोआ बायर्न म्यूनिख के लिए खेलते हैं। महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। तेलंगाना राज्य पुरस्कार ने सानिया मिर्जा को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। इसका उद्देश्य राज्य के प्रति पर्यटकों का आकर्षण बढ़ाना है। भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा मूल रूप से तेलंगाना राज्य की निवासी हैं। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सानिया मिर्जा को आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की परीक्षण एवं तैयारी हेतु 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की। जकार्ता के राज्यपाल जोको विडोडो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। राष्ट्रपति के चुनाव में जोको विडोडो को 53.15% मत प्राप्त हुआ। पूर्व जनरल प्रोबोवो सुबियांतो ने 46.85% मत लेकर दूसरे स्थान पर रहे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के चुनाव में कुल प्रतिशत 70.7 मतदान हुआ था। राष्ट्रपति पद के लिए ये सुबियांतो की तीसरी दावेदारी थी। सौरमंडल के बाहर एक नए ग्रह केपलर 421b की खोज की गई। अमेरिका के खगोलविदों ने सौरमंडल के बाहर एक केपलर 421b नामक ग्रह की खोज की। यह ग्रह अपने तारे केपलर 421 की एक परिक्रमा 704 दिनों में पूरी करता है, जो कि अब तक ज्ञात किसी एक्सोप्लैनेट का सबसे बड़ा परिक्रमा काल है। इस ग्रह का तारा केपलर 421 धरती से करीब 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर तारामंडल लायरा की दिशा में स्थित है। एक्सोप्लैनेट वे ग्रह होते हैं जो कि हमारे सौरमंडल के बाहर किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने मुंबई में परमाणु ऊर्जा के विभाग में तहत भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद परमाणु ऊर्जा विभाग की नरेंद्र मोदी की यह पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री ने परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 तक 5780 मेगावाट की वर्तमान क्षमता से 3 गुना अधिक क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा कर लेने की आशा व्यक्त की। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर के सिन्हा हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की हीरक जयंती 3 अगस्त 2014 को मनाई जाएगी। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें jagranjosh.com।